भी ये अंदोलन भारत के लोगों का वा, रोटी खाने वाले लोगों का वा, हर उस वर्ग का वा जिहड़ा रोटी खा के सौंदा वा, कल्ले किसानां मजदूरां का अंदोलन ही नहीं। जिहड़ी तेल की कीमत पहला 55-60 उत्ते खेड़दी सीगी, जिहड़ा गैस का सिलेंडर 450 का मिलता सीगा, वो जदों कारपोरेट जगदा हो गया तो उन्हें लोगों की जेब डाका मारिया। इस तरह जदों अनाज कारपोरेट जगदा हो गया, अडानी अंबानी के गोदाम दे चले गया, इहो आटा जिहड़ा चक्की तो 25-30 रुपये किलो मिलता वा, वो खाण वालियां नूं 150 रुपये किलो तो घट नहीं मिलेगा। साड़ी रोटी की थाली आ अडानी अंबानी के गोदाम थानी होकर आए, ये कुछ करना चाहते हैं। असं कहना चाहते हैं जिमें साड़िया तेल दियां कीमतां, गैस दियां कीमतां, डीजल पेट्रोल दियां कीमतां वधदियां वा, जिस तरह सारा कुछ पहला प्राइवेट करता वा। संसद कदों तक बिठाओगे तुसी इह? इह जी जिन्ने दिन तक इन्हां दा अजलास चलता वा उन्नी दिनां तक जिहड़ा इह चलावांगे, उस तों बाद अगली पैंतड़ेबाजी फिर लिखी जाऊ। जदों लोगों ने पूछा भी उत्थे किसान शहीद हो रहे हैं तो वह कहिंदे भी सानू पता ही कोई नहीं, हालांकि रोज़ अखबार दियां सुर्खियां बनदियां, रोज़ पोस्टमार्टम होकर हरियाणे ते पंजाब अपने दिल्ली दे हस्पतालां विचों डेड बॉडियां पूरे देश नूं जा रहीआं, पर साडे देश दे गृह मंत्री जिहड़े साडे घर दे मंत्री जिन्हां ने घर संभालना हुंदा वा, उन्हां नूं इस गल दा पता नहीं भी किन्ने किसान इत्थे शहीद हो चुके आ। जिन्नी देर सरकार पिट्ठ करके रखेगी अंदोलन उन्ने ही होर अगे वधणगे। श्री अकाल, स्काई न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है ते मैं तुहाडे नाल प्रकाश फुलारा इस वेले जंतर मंतर दे विच हां, जिथे किसानों के वलों संसद लाई गई, एक संसद लोकसभा दे विच लगातार जिहड़ी संसद उत्थे चल रही है, उस संसद के बिल्कुल सामने किसानों की संसद है, लगातार जिहड़ा लोकसभा दे विच हंगामा किसानों के मुद्दे दे विच विरोधियों के वलों जिहड़ा मुद्दा चक्या जा रहा उस दे विच बरपया होया, लेकिन किसानों की मंग दे वल आखिर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही, क्यों किसानों की मंग हाले तक सरकार सुन नहीं रही, क्यों आखिर गलबात कदों शुरू होगी, क्योंकि सरकार तो कह कि असी गलबात करने वास्ते राजी हैं, लेकिन आखिर वो फोन कॉल एक फोन कॉल की दूरी भी कदों घटती हुई नज़र आएगी। साढ़े नाल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह जी ने ते तुहाडा स्काई न्यूज़ दे विच बहुत बहुत स्वागत। सब तो पहला सवाल यही है कि आखिर तुहाडी मंग जिहड़ी है सरकार नहीं मान रही, तो अज संसद तो पहला जदों नरेंद्र तोमर का बयान आया खेती मंत्री का, वह कहिंदे असी गलबात वास्ते तैयार हैं। देखो जी, पहली तो गल है भी कल्यां दी साडी मंग नहीं गी, जिहड़ा भी रोटी खांदा वा उहदी मंग वा, इस टाइम तो कणक का सवाल वा, रोटी का सवाल वा, जिहड़ा भी जी वो तोमर जी भी खाते, मोदी जी भी रोटी खाता वा, और भारत वर्ष के हर एक जी रोटी ये हुण कर की रहे आ भी जिहड़ी साडी रोटी की थाली आ अडानी अंबानी के गोदाम थानी होकर आए, ये कुछ करना चाहते हैं। असं कहना चाहते हैं जिवें साडियां तेल दियां कीमतां, गैस दियां कीमतां, डीजल पेट्रोल दियां कीमतां वधदियां वा, जिस तरह सारा कुछ पहला प्राइवेट करता वा, जिहड़ी तेल की कीमत पहला 55-60 दे उत्ते खेड़दी सीगी, जिहड़ा गैस का सिलेंडर 450-450 का मिलता सीगा, वो जदों कारपोरेट जगदा हो गया तो उन्हें लोगों की जेब डाका मारिया। इस तरह जदों अनाज कारपोरेट जगदा हो गया, अडानी अंबानी के गोदाम दे चले गया, इहो आटा जिहड़ा चक्की तो 25-30 रुपये किलो मिलता वा, वो खाण वालियां नूं 150 रुपये किलो तो घट नहीं मिलेगा। साडा इह मनना वा, असीं कहिंदे आ भी इह अंदोलन भारत दे लोगों का वा, रोटी खाण वाले लोगों का वा, हर उस वर्ग का वा जिहड़ा रोटी खा के सौंदा वा, कल्ले किसानां मजदूरां दा अंदोलन ही नहीं। मंग की आखिर 3 खेतीबाड़ी कानून जिहड़े हैगे ने उह तां रद्द करन दी मंग ही हैगी है, लेकिन लगदा जे सरकार नहीं सुन रही तां फिर हल किवें निकलेगा? देखो जी, सरकार नूं आखिरकार सुननी पऊगी, क्योंकि लोग वड्डे हुंदे आ लोकतंत्र दे विच, अज 138 करोड़ भारतीय लोगों तक ये गल पहुँच चुकी आ और विश्व पद्धरी गल पहुँच चुकी आ भी लोगों दी चुनिया हुई सरकारां अंदर इजलास कर रही वर्खा रोधा, बाहर किसानों ने आपकी संसद शुरू करके अपने अंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि भेट करके उस तो बाद तिने खेती के कानून रद्द करने की गल की आ, MSP गरंटर का कानून बनने का एजेंडा वा, और 2 कानून जो बिजली का वातावरण का वा वह रद्द करने की गल की आ, और जिन्हें भी पब्लिक अदारे सरकार ने हुण तक कारपोरेट जगत नूं दित्ते आ इन्हां दे वी नाल दी नाल गल करदे आ वी सरकार नूं हर हाल दे विच अज नहीं ते कल लोकां दी गल सुननी पऊगी। लोकतंत्र दे विच लोक वड्डे हुंदे आ, कदी चुनियां होईयां सरकारां वड्डियां नहीं होईयां। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान मेरे तो ज़्यादा दूर नहीं है, कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी दे विच है, कि वो फोन हाले तक आया? वेखो, मैं कहना भी वड्डा वो हुंदा वा जिहड़ा पहलकदमी करे, पर फिर भी पहलकदमी करदे आ, किसानां ने चिट्ठी पाई सीगी उहदा कोई जवाब नहीं, सगों हवाई गोले जिहड़े आ तोमर वल्लों छड्डे जा रहे आ। जदों लोकां ने पुछिया भी उत्थे किसान शहीद हो रहे आ ते उह कहिंदे आ भी सानूं पता ही कोई नहीं, हालांकि रोज़ अखबार दियां सुर्खियां बनदियां, रोज़ पोस्टमार्टम होकर हरियाणे ते पंजाब
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤ ਨਿੰਦਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਉਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਸਿਰਫ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਠਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ? ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਉਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਕਿ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੁਲਾਰਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।